चीनी वायुसेना के विमान ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में बहुत करीब से उड़ान भरी। ये घटना जून के अंतिम सप्ताह की है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी तेजी से प्रतिक्रिया दी थी। सूत्रों ने बताया कि जून के अंतिम सप्ताह में एक दिन सुबह लगभग 4 बजे ये घटना हुई, जब विमान को देखा गया। साथ ही ये सीमा क्षेत्र में लगे स्वदेशी रडार की पकड़ में भी आया। भारत चीन के बीच 2 वर्षों से चल रहे तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख में बड़ी संख्या में दोनों देशों की सेनाएं तैनात है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। जून महीने के आखिर में चीन के एक फाइटर प्लेन ने LAC के बहुत करीब उड़ान भरी थी। सूत्रों ने कहा कि संभावित हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का पता चलने के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना भी सक्रिय हो गई। सूत्रों ने कहा कि यह घटना ऐसे समय में हुई जब चीनी पक्ष पूर्वी लद्दाख सेक्टर की सीमा से लगे क्षेत्रों में अपने लड़ाकू जेट और वायु रक्षा हथियारों से जुड़े अभ्यास कर रहा है। चीनियों के पास बड़ी संख्या में लड़ाकू जेट और मानव रहित विमान है। इनको भारतीय क्षेत्र के पास होतान और गारगुसा में प्रमुख हवाई क्षेत्र में तैनात किया गया है। पिछले 2 वर्षों के दौरान इनका तेजी से विकास किया गया है। गौरतलब है कि साल 2020 में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिकों को भारी संख्या में पूर्वी लद्दाख में भारतीय चौकियों के पास तैनात कर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। सूत्रों ने कहा कि विमान के भारतीय चौकियों के करीब आने का मामला इस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म के तहत उठाया गया था और इसके बाद कोई घटना नहीं हुई।